पूछिए, ये कोइंसिडेंस है कि आप हजारों वीडियोस को छोड़कर आज हमारी आवाज, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं? ये कोइंसिडेंस है या फिर प्लान्ड? आपके लिए, हमारे लिए ये कोइंसिडेंस ही है। अगर आपके पेरेंट्स ना मिले होते, वो 100 मिलियन से एक छोटा सा स्पर्म अगर उस एग को फर्टिलाइज नहीं करता तो आप पैदा नहीं होते। सॉरी अगर एक साथ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन ये तो बस छोटी सी चीज थी, क्योंकि हमारी उपज और धरती माँ का इस यूनिवर्स में होना भी प्लान नहीं बल्कि एक हैप्पी एक्सीडेंट है। सोचिए, अर्थ एकदम राइट डिस्टेंस पर है सूरज से। इसके कोर में सही अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी है जिससे ये घूम सके और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सके। एक चंद्रमा जो सही साइज का है रोटेशन स्टेबलाइज करने के लिए, और एक ओजोन लेयर जिसकी थिकनेस ऐसी जो हमें रेडिएशन से बचा सके, और इसकी लोकेशन ऐसी जो एकदम बैंग मिडिल में है दो वायलेंट आर्म्स ऑफ गैलेक्सी मिल्की वे से। सोचिए अगर इनमें से कोई भी चीज डिफरेंट होती तो ना ये धरती, ना आप, ना हम और ना ही ये वीडियो होता। लेकिन अर्थ की तरह अफसोस बाकी प्लैनेट्स उतने लकी नहीं रहे, और इन प्लैनेट्स पर लाइफ सपोर्ट की बात भूल जाइए। अगर इन प्लैनेट्स पर लाइफ सपोर्ट की बात भी की जाए तो वो एक क्रेजी आइडिया होगा, क्योंकि इन प्लैनेट्स के बारे में जानकर इवन आवर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैव बीन लेफ्ट इन शॉक, जिससे ये अपनी पढ़ाई पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आखिर ये प्लैनेट्स है कौन से, और अगर हम इस पर रहते तो क्या करते? COROT-7b नरक एक में समाया। मॉन्सरोस के कॉन्स्टेलेशन में बसा हुआ ये प्लैनेट धरती से 489 लाइट ईयर्स अवे है। कह सकते हैं COROT-7b के दो पहलू हैं, रात और दिन। सच में ये प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार सन से 60 टाइम्स क्लोजर है। अगर ये फैक्ट चौंकाने वाला नहीं है तो ये सुनिए, ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि ये अपने पेरेंट स्टार के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिस तरह से मून अर्थ के चक्कर लगाता है। वैसे ये प्लैनेट एक साइड लाइट देखता है तो दूसरी साइड डार्कनेस। बेचारा प्लैनेट स्प्लिट पर्सनालिटी वाले डिसऑर्डर से जूझ रहा है। वैसे COROT-7b जब सूरज को देखता है तो ये 4700 फारेनहाइट जितना तपता है, जो काफी है पत्थर को पिघलाने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पेबल्स बन जाते हैं जो कंडेंस होकर यहाँ पत्थरों की बारिश होती है। और बाय चांस भी अगर आप उस साइड ऑफ प्लैनेट पे स्टक है तो आपकी ठंड के मारे जान निकलने वाली है। कहने को आपकी एक ही सेकंड में जान निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ का तापमान 392 डिग्रीज फारेनहाइट बिलो जीरो होता है। तो यहाँ जाना चाहेंगे ग्लेस 436b, बर्फ पर आग। चलिए अब आपको मिलवाते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स प्लैनेट से। इस प्लैनेट ने तो साइंटिस्ट की नाक में दम कर दिया है। ये प्लैनेट एक स्टार के अराउंड घूमता है जो लियो कॉन्स्टेलेशन में है, और इस पर फायरी आइस होती है। क्या अब गेम ऑफ थ्रोन्स कॉन्टेक्स्ट समझा? ग्लीस 436b 2.5 मिलियन माइल्स अवे है अपने पेरेंट स्टार से, जो वैसे बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन इसका सरफेस कोल्ड आइसी है जो कभी पिघलता नहीं है, पर फिर भी ये आग से लपटा रहता है। इसका रीजन ये है कि भले ही आग इसे पिघला दे, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल ताकत इसे फिर से आइस बना देती है। 55 Cancri e, हीरा है सदा के लिए। पूछिए, अगर दुनिया की सभी दौलत को इकट्ठा किया जाए तो वो मेरली ओशन में एक ड्रॉप जैसी होगी। 55 Cancri e जो अर्थ के मुकाबले दो गुना बड़ा है। ये 41 लाइट ईयर्स अवे है कैंसर कॉन्स्टेलेशन से, और ये काफी फेमस है एक चीज के लिए। दरअसल इस प्लैनेट का एक तिहाई हिस्सा डायमंड से कवर्ड है, वो जो बेसिकली अपने एटमॉस्फेरिक कार्बन पर अपने पेरेंट स्टार की हीट और प्रेशर से बनता है। तो फिर इसका मूल्य कितना होगा, आप सोच भी नहीं सकते। $26.99 million, जो कि 26.9 फॉलोड बाय 30 जीरोस है। क्यों चौंक गए? तो आम इंसान की भाषा में बोले तो हमारी अर्थ की जीडीपी 2019 में थी $142 trillion, जिसका मतलब है कि डायमंड स्टडेड ये प्लैनेट अर्थ की जीडीपी के मुकाबले 200 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा है। और इतना ही नहीं, हमारे देश का सारा कर्जा ये प्लैनेट सिर्फ 0.2% में चुका सकता है। वाह, तो कब जाएं इस प्लैनेट पर? जल्दी तो चलो। TRES-2b, कालू। हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। काश 2014 की डिस्कवरी वांटा ब्लैक को भी देखकर हम यही कह सकते। इस पर बसा हुआ प्लैनेट
स्ट्रेस 2 भी ऐसा है जो 99.965% लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, जो गैलेक्सी में गुमसुम चुप चुप करके अब तक अपनी जगह बनाए हुए है, और इसका नाम है TRES-2b। हमारे सोलर सिस्टम से 750 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट ड्रैको कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, और आप मानेंगे नहीं लेकिन TRES-2b प्लैनेट अब तक का सबसे डार्केस्ट प्लैनेट माना गया है, जो सिर्फ 1% ही लाइट देता है। इसे चमत्कार ही कह लीजिए कि इतना डार्क होने के बावजूद हमने इसे खोज लिया। पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि आखिर ये प्लैनेट इतना डार्क क्यों है, जो फिर हमें अपना सर खुजलाने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये डार्क प्लैनेट है तो सोचिए अर्थ के आजू बाजू कितने डार्क प्लैनेट्स होंगे, और हमने अब तक इसे खोजा क्यों नहीं। क्वाइट मिस्टीरियस हाँ। HD 189733b, कांच की बारिश। हमसे 64.5 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट वल्पेक्यूला नाम की कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, और ये प्लैनेट हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। HD 189733b एक ऐसा प्लैनेट है जहां कांच की बारिश होती है, वो भी सीधे नहीं साइडवेज, वो भी 7 times देन द स्पीड ऑफ साउंड। सोचिए ये सच है। इस गुरूर वाले प्लैनेट की विंड्स 5400 माइल्स पर आवर तक जाती है, जिस वजह से यहाँ बारिश सीधी नहीं तिरछी होती है। बेसिकली एक सिलिका कॉन्सेंट्रेटेड एटमॉस्फेयर इस प्लैनेट के बादलों में मोल्टन ग्लास पैदा करता है, जो सख्त होकर गिरता है। तो जब अगली बार आप बारिश में छम छम करें तो याद रखना, गॉड को थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि पानी कांच की बारिश से तो बेटर है। केपलर 16b सच का टैटूइन। क्या आपको टैटूइन प्लैनेट याद है, जो लेजेंडरी ल्यूक स्काईवॉकर का घर था इन स्टार वॉर्स, जो दो स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करता है जिससे एक बाइनरी सिस्टम बनता है। अगर हम कहें कि रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो क्या विचार होंगे आपके। केपलर 16b जो हमसे 200 लाइट ईयर्स अवे है, वो साइडनस कॉन्स्टेलेशन जो हमारी वेरी ओन मिल्की वे में है उसका हिस्सा है, और यही प्लैनेट बाइनरी 2 star सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करता है, जस्ट लाइक टैटूइन। लेकिन दोस्तों यहाँ स्टार वॉर्स की तरह ड्रॉइड्स नहीं मिलेंगे। जी हाँ, भले ही ये टैटूइन जैसे दिखे लेकिन केपलर 16b पर लाइफ सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, मेथेन और छोटी तादाद में हीलियम पाए जाते हैं। वॉस्प 12b अंडे का फंडा। ये प्लैनेट भी ऑलमोस्ट TRES-2b की तरह दिखता है, लेकिन यही उसकी मेन USP नहीं है। हमसे 1410 लाइट ईयर्स दूर ये कॉन्स्टेलेशन ऑर्गिया का हिस्सा है। वॉस्प 12b ऑलमोस्ट 1.8 times बड़ा है जुपिटर से। ये काफी नीडी भी है क्योंकि ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत क्लोज है, अराउंड 2,115,000 माइल्स अवे। इसके पेरेंट स्टार की ग्रेविटी इस प्लैनेट को स्ट्रेच कर देती है, जिस वजह से इसका आकार अंडे जैसा हो जाता है। ग्लीस 581c कागार पर टिके रहो। हमसे 20 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट लिब्रा नाम के कॉन्स्टेलेशन में है, जो काफी कुछ मिलता जुलता है CORT-7b से। इसका नाम है ग्लीस 581c। ये प्लैनेट भी अपने पेरेंट स्टार से टाइटली लॉक्ड है और काफी ड्यूअल फेस्ड है। एक तरफ यहाँ तेजदार गर्मी पड़ती है तो दूसरी तरफ सन्नाटे वाली ठंड। पर एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों प्लैनेट में। एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि अर्थ जैसी यहाँ भी जिंदगी खिलखिला सकती है। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। दरअसल दो एक्सट्रीम वेदर्स के बीच जिंदगी एक छोटी सी स्ट्रिप पर बसती है, जिसे टर्मिनेटर जोन कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर बस सही है लाइफ सपोर्ट के लिए। वॉस्प 17b एक बड़ा गोला। इस प्लैनेट को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम समझाने जाए तो सरप्राइज निकल जाएगा। स्कॉर्पियस नाम के कॉन्स्टेलेशन में बसा ये प्लैनेट 550 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। वॉस्प 17b अतरंगी प्लैनेट है। इतना अतरंगी प्लैनेट है ये कि आज तक हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो आखिर इस प्लैनेट में ऐसा क्या अजीबोगरीब है, चलिए जानते हैं। पहले तो ये जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, लेकिन बड़ा मतलब इसका मास सिर्फ आधा ही है, जिस वजह से यहाँ की डेंसिटी काफी लो है, इस वजह से इसे बड़ा गोला कहते हैं। दूसरी और बात भी बहुत अजीब है, ये अपने पेरेंट स्टार के आसपास सीधा नहीं बल्कि रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है, मतलब बैकवर्ड्स घूमता है। वैसे इस प्लैनेट ने काफी आर्ग्यूमेंट्स को भी बढ़ावा दिया है। ग्लीस 1214b पानी का प्लैनेट।
क्या आपको मूवी इंटरस्टेलर में पानी वाला प्लैनेट याद है? वेल, ये काफी सिमिलर है उससे। हमसे 48 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट ओफ्यूक्यूस कॉन्स्टेलेशन में बसा है। ग्लीस 1214b एक विशाल वाटर वर्ल्ड है, तीन गुना बड़ा अर्थ से, जिसमें इसका पानी इसके 10% ऑफ मास को कंट्रीब्यूट करता है। अगर कंपेयर करें तो अर्थ के पानी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.05% मास ही है। तो सोचिए, अगर आप यहाँ स्विमिंग करने निकले तो क्या हाल होगा। कहा जाता है कि ग्लीस 1214b के ओशंस की डेप्थ 1600 किलोमीटर्स की है। आपको अर्थ लैंग्वेज में कहें तो अर्थ का ओशन मैरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर डीप है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, हमने तो अब तक सिर्फ 5% ही पानी के अंदर रहने वाली स्पीसीज को समझा है। सोचिए, इस वाटर प्लैनेट में कितने अजीबोगरीब जानवर होंगे। तो आप किन अद्भुत प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताना और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल को बजाओ और नए वीडियो की नोटिफिकेशंस पाओ।